खुशामदी। आज हम पाकिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है, हम हैं पाकिस्तान जर्मनी के चेयरमैन महबूब सईद साहब और हाजी गुलजार अहमद साहब, सीनियर नायब सदर हम हैं पाकिस्तान, और असदुल्ला तारिक साहब जनरल सेक्रेटरी हम हैं पाकिस्तान जर्मनी। इनसे हम पूछेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और इनसे ये भी पूछेंगे इसकी इसका क्या हल हो सकता है। जी महमूद साहब, मैं इसका हल क्या बता सकता हूँ? जो हल निकालने वाले हैं वो सारे ग्राउंड उन्होंने तैयार किए हुए हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप हल हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इलेक्शन तो एक दफा हो गया, हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कम्प्लीट शक्ल नजर नहीं आ रही ना। हुकूमत किसने संभालनी है, करनी किसने, किसको देनी है, ये असल में जो वोट की पर्ची है उसकी तो वैल्यू है ही नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है, या वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है ना। और ये सारी पसंद नापसंद और तरजीहत पे डिपेंड कर रहा है कि जो वो ताकतें असल ताकतें हैं, जो अरबाब इख्तियार है, वो ढूंढ रहे हैं अपनी मर्जी के बंदे। जब वो मुनासिब समझेंगे तो वो उनके सर पे ताज सज जाएगा। तो बाकी ये तो मैं नहीं समझता कि हमारी कोई इतनी वक़्त है, कोई राय जो मायने रखती हो। सब बकाया सब हम जनरल सेक्रेटरी हम हैं पाकिस्तान जर्मनी के मोहतरम असदुल्ला तारिक साहब से ये पूछूंगा, जो ये काम कमिश्नर रावत बिल्ली ने जो इस्तीफा दिया, जो इल्जाम लगाए इलेक्शन के बारे में, इनके बारे में आप थोड़ी सी वजाहत करते हैं, उसने क्यों किया ऐसा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रावलपिंडी के कमिश्नर की, उसको हमें इतना ये दिन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही संजीदा मसला है, और कोई भी शख्स जो कि इस मनसब पे आकर जिसके सारी उम्र का उसका कैरियर होता है और 15 दिन के बाद उसने रिटायर हो जाना था, उसकी सारी मराहत थी, सब कुछ था, और सब कुछ दाव पर लगा दिया, आखिर इसकी बैकग्राउंड में कोई बात तो थी। अब इसके आप तजिए जो है हम सारा दिन सुनते रहते हैं टीवी के ऊपर भी और इधर भी लोगों से मशवरा भी, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस बात की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं चीफ जस्टिस पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, ये कोई मामूली बात नहीं है। और अगर इन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं तो इस बात की तहकीक होनी चाहिए, और उसके लिए आज़ाद जो है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या आज़ाद जजिस के ऊपर कोई कमीशन बनना चाहिए जो कि इस बात की तहकीक करे, ना कि वही लोग इस बात की तहकीकत करें जो कि इस मनसब पे फाइल लोगों के सबऑर्डिनेट्स है। ऐसा हो नहीं सकता, और ना ही दुनिया में ऐसा होता है। पहली बात तो ये, और मैं ये चाहता हूँ कि जब उन्होंने क्लेम किया है कि इतने हल्के जो हैं उनमें से उन्होंने उनको जितवाया है, और उसके नीचे सूबाई असम्बली के भी हल्के हैं, सारा कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद मुमलकत में जाकर ऐसा मामला आ जाए तो फौरी तौर से कम इन हल्कों के जो हैं जो दायज हैं वो फ्रीज कर देने चाहिए, या उनको ताउफ के साथ नहीं रोक देना चाहिए ताकि इस बात की तहकीक हो जाए। और इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस साहब भी जो हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने मनसब पर उस वक्त तक काम करना ना करें जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। अब इसके पीछे कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी साजिश हो, वो सामने आनी चाहिए, और हम जैसे लोग जो कि सारा दिन परेशान रहते हैं अपने मुल्क की खातिर, हमें भी थोड़ा सा सबूत मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब हम सीनियर नायब सदर हम है पाकिस्तान और चीफ ऑर्गेनाइजर हम है पाकिस्तान के हाजी गुलजार अहमद साहब से पूछेंगे, इस वक्त आपकी नज़र में जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कमिश्नर साहब ने ये जो बयान दिया है कि मैंने
लोगों को 70-70 हज़ार या 50-50 हज़ार वोटों से जिताया गया है। सवाल यह था कि अगर ये जिताने की बात थी तो जो इतने अरब रुपया खर्च हुआ है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के ऊपर, इतना टाइम जाया हुआ है, तो उसको करने की क्या जरूरत थी अगर जो नतायज जो थे वो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक निकालने थे। हमें पता है हमारा दिल खून के आंसू होता है कि हम ग्यारह गार में बैठ कर अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना इस मुल्क के जर मुबादले में हम उसकी मदाद मरीर की हड्डी बने हुए हैं। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत बाला या हमारी ब्यूरोक्रेटी कहती है कि जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो हमारी मीशत की रीढ़ की हड्डी ना तलक रीढ़ की हड्डी की तक तलक रखती है। तो प्लीज अगर ये मामला थे तो ये सोचना चाहिए था। फिर भी हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करते हैं खदाया गौर करें, इलेक्शन कमीशन साहब से पूछते हैं और चीफ जस्टिस साहब से पूछते हैं कि अगर अगर आंखें बंद की हैं तो ये तो अफसोस की बात है, खोलनी चाहिए। अगर आप उन लोगों के अगर इलम हो गया तो हक को हक कह दें, हक को हक कह दें, मौत आ जानी है, मुझे भी आनी है, आप लोगों को भी आनी है। तो आगे जाके आपने क्या मुंह दिखाना है कि मैंने राइट दिखा के वो जो कहते हैं ना कि दाया दिखा के बाएं के साथ वार कर देना। खुदा के लिए गौर करें, हमारा जो क्या नाम है, हमारा जो पहले नंबर पे तो हमारा इमेज है ही नहीं, जिला थोड़ा बहुत है वो भी लोग हम बातें कर रहे हैं कि ये क्या बात क्या है, हकीकत क्या है। वो जो जो हमारे दिशा है वो ताली मार रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं हमारे लिए कि ये इस घर में लड़ाई पड़ी है तो वो फायदा ना कहीं उठा दें। खदाया खदाया गौर करें चीफ जस्टिस साहब, हाफ साहब आपसे दरखास्त है कि इसके ऊपर गौर करें, घर की लड़ाई में जो साया ना वो फायदा ना उठा दे। लिहाजा क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। फिर आखिर में इन्ना लाए राजा भी कह सकते हैं, अगर आप लोगों को इलम था तो ये क्यों हुआ, अगर जो आपने करना था तो फिर ये जो इलेक्शन का जो ये मसला था इतने अरब रुपया जाया करने का तो फिर उसका वो किसी गरीब को दे देते, खदाया कुछ कर लेते, कोई पोल बन जाता, कोई यूनिवर्सिटी बन जाती, उन्होंने इतने अरब रुपया खर्च हुआ है। लेकिन इसके ऊपर गौर करें। फिर मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और मैं हुकूमत बाला से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज गौर करें, सोचें कि कहाँ गलती हुई है। मर जाना, ये पैसे साथ नहीं जाने, क्यों किया ऐसे। अगर कमिश्नर साहब से दरखास्त थी आपने करना था तो 10 दिन पहले कर देते, जब उस वक्त आप साथ थे तो आपने कोई बयान नहीं दिया, अब कोई बात आगे पीछे हुई है तो आपने बयान दे दिया, उसी वक्त बयान देना चाहिए था कि नहीं मेरे से गलती हो गई है। लेकिन फिर भी भाई हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसको हकीकत रखे, किसी के कहने के ऊपर ना बयान दे। अगर आपके पास कोई है तो इसके सबूत दें और इसकी वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन वेरिफिकेशन वो होनी चाहिए कि जो ये ना हो कि जी जो दिसंबर में जो पेशावर में वाकया हुआ था कि हमने वो बना दी है, क्या वो एक कमेटी बना दी है, वो जो जयाल हक का प्लेन क्रैश हुआ था जी कमेटी बना दी है जी, वो काम वाली कमेटी बना दी है, आज तक किसी कमेटी का जवाब नहीं आया। खदाया इस कमेटी को गौर से कर बना के तो दें, बताएं कि ये हमने इसका हल ढूंढा है और जो जिसकी जो उसका हक बनता उसको उसका हक दे दें, क्या होगा, छोड़ दें हक वाले को हक दे दें, बस शुक्रिया। फिर भी हम है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा दोस्तों आपने देखा दिया रहे गैर में रहने वाले रिजर्व में रहने वाले पाकिस्तानी और मतलब जो तंजीमें पाकिस्तान की मदद में बनाई हुई हैं उनके साथ साथ क्या है। मेरे आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा, अगर पसंद आए इंशाल्लाह ताला फिर इस प्रोग्राम को हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम जा चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।